कटनी जिले में बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री ने कटनी वासियों को मंच से यह कहा कि हिंदुओं की बुराई करने वाले लोग दोगले होते हैं जो हिंदुओं की बुराई करते हैं। साथ ही बड़े आक्रोशित होते हुए कहा कि खाते तो राम की है लेकिन बचाते किसी और का है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सभी हिंदुओं अपने अपने बच्चों के हाथों में माला पकड़ा हनुमान चालीसा का पाठ कराए, सनातन का प्रचार होगा, तुम्हारे पूर्वज प्रसन्न होंगे, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसन्न होगी और तुम्हारा बालक भी संस्कारी बनेगा और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि वर्तमान समय में सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया की किसी भी मजहब न सामर्था है कि वह बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर ले। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि हम अपने हनुमान जी के बल पर चैलेंज दे रहे हैं कि किसी भी मजहब का हनी उल्लाह वाला जो सिर्फ फूंक कर लोगों को ठीक करता है वह हमारे पास आ जाए। हम उसके बारे में इतना बताएंगे कि वह अपनी लुगाई को अपना मुंह नहीं दिखाएगा, हम उनकी पैंट गीली करके भेजेंगे। ये भरोसा अपने हनुमान जी पर है लेकिन हनुमान जी ने उन्हें यह सिद्धि किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं दी है, हिंदू धर्म को बढ़ाने और राम नाम के प्रचार के लिए दी है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि आज 25 तारीख है और हमने एक जगह पर यहाँ कहा कि क्रिसमस डे नहीं मनाना चाहिए तो खबर चली कि विवादित बयान दिया। बाबा ने इस खबर से आक्रोशित होते हुए कहा कि उन्हें जो सत्य लगा उन्होंने कहा, जो बोलना चाहिए था वह उन्होंने बोल दिया, हम सबको बोलने से नहीं चूकेंगे चाहे जो हो जाए। पीबीसी के लिए कटनी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जो खाते तो राम का, जिनके परदादा दादा मर गए राम के लिए, वो कल संता क्लॉज आएगा, गिफ्ट लाएगा, तेरा खसम आएगा। हल हो गई। अरे राम के देश में है, आज राम राम मंदिर जाओ, हनुमान जी के मंदिर जाओ, वहां पर बढ़िया तिलक लगाओ, अपने बच्चों को गिफ्ट ही देना है तो अपने बच्चों के हाथ में माला देकर के हनुमान चालीसा का पाठ करना इसलिए कटनी के जितने लोग यहाँ बैठे हैं आगे का देखो, हमको बुलाने के पहले हमारी दक्षिणा तो कुछ नहीं, यही दक्षिणा है अपने अपने घरों पर सनातन धर्म का झंडा, और तो हम कुछ ज्यादा कहते ही नहीं, हमारा तो पूरा जीवन ही राम के लिए है। और हमारा है जो सेवा दी है, जो चूरन चटनी सिद्धि दी है, उसके बल पर हम इतना कह सकते हैं वर्तमान समय में सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब के धर्म गुरु की शक्ति नहीं है न सामर्थ्यता है कि वो बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर ले। हम अपने हनुमान जी के बल पर, अभिमान में नहीं, हम अपने हनुमान जी के बल पर चैलेंज दे रहे हैं किसी भी मजहब का हनी उल्लाह वाला जो फूंक करके लोगों को ठीक करता है वो हमारे पास आ जाए, हम उसके बारे में इतना बताएंगे वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाएगा, वो अपनी पत्नी को मुंह नहीं दिखा पाएगा, पेंट गीला करके भेजेंगे। ये हमें भरोसा हनुमान जी पर है, लेकिन ये कृपा या सिद्धि हमें हनुमान जी ने किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं दी, भारतीय सनातनीय हिंदुओं के भरोसों को बढ़ाने के लिए, राम नाम के प्रचार के लिए दी है। जय श्री राम, जोर से बोलो जय श्री राम। आज 25 तारीख को पूरे भारत के सनातनीय, कल हमने एक जगह बोल दिया कि भारत के लोगों को 25 तारीख का क्रिसमस डे नहीं मनाना चाहिए। एक न्यूज वाले ने आज छापा कि बाबा के विवादित बयान है फटली के बारे में। इसमें विवाद वाली बात क्या है, संवाद वाली बात, जो बोलना चाहिए हम वो बोल रहे, तुम लोग नीचे लग रहे, हम सबसे बोलने से नहीं चूकेंगे चाहे जो हो जाए। और हमारे साथ हनुमान जी है हर पल, भारत के 100 करोड़ सनातनी हिंदू है, हम इनके साथ मिलकर पूरे विश्व में राम नाम का पताका फहरा करके मानेंगे।
जय श्री राम। आज जो लोग आए हैं, कुछ लोग तो आए थे बाबा आएगा पालचा बनाएगा, कुछ लोग तो कह रहे हैं प्रवचन हो, मैं हम तो सोच रहे थे हमारा नाम लेके बुला के अर्जी लगाएंगे। किसकी? हनुमान जी की। अच्छा कौन सी सुख? बोले सब सुख। ये सब सुख क्या है? पहला सुख निरोगी काया। सब सुख क्या है? पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया किससे होगी? नासे रोग हरे सब। तुम पहला सुख हनुमान जी से। अच्छा दूजा सुख क्या है? दूजा सुख घर में माया। दूसरा सुख घर में। अच्छा महाराज जी माया देंगे हनुमान जी? कंचन बरन विराज, जिनका शरीर ही सोने के समान हो वो तुम्हें तो सोना दे ही देंगे, तो माया देने वाले भी हनुमान जी। अच्छा तीजा सुख क्या है? तीसरा सुख, तीजा सुख सुलक्षण नारी। तीसरा सुख है घरवाली हो पर अच्छी हो, सुलक्षणा हो, तब तो घर घर है, नहीं तो घर बेघर है। अवेज्ञान की पत्नी इतनी खतरनाक होगा कठिनी का आदमी। पति पत्नी दोनों हमारी कथा में आ रहे थे बागेश्वर धाम, रास्ते में गधा खड़ा हुआ था, गधा को देखकर पत्नी बोली देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े हैं नमस्कार कर। लेकिन पति भी कठिनी का, वो भी क्या कम, उसने भी दंडवत प्रणाम किया और खड़े होकर बोला ससुर जी प्रणाम। ऐसे भी लोग होते हैं। तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षण नारी। अच्छा एक बात और है, नारी का अर्थ क्या होता, पत्नी का अर्थ क्या होता? जो अपने पति को पतन से बचाए उसी का नाम पत्नी है, जो सत्मार्ग पर लगाए। अब वो काम कौन कर सकता? हनुमान जी महाराज। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कभी से हूँ। हनुमान जी महाराज ज्ञान गुण सागर है। इनसे किसी ने कहा कि आप देते क्या? हनुमान चालीसा के प्रारंभ में ही वर्णन में लिखा बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरम कलेश। हनुमान जी बल भी देते हैं, बुद्धि भी देते हैं, और बुद्धि होना बहुत आवश्यक है। इसलिए हनुमान जी महाराज घर में जो मलिन बुद्धि वाले लोग होते हैं, लेकिन जो हनुमान जी को पकड़ लेते हैं उनको सद्बुद्धि दे देते हैं, तो तीसरा सुख भी प्राप्त हो जाता है। अच्छा चौथा सुख क्या? चौथा सुख है सुत आज्ञाकारी। ये कैसे प्राप्त होगा? ये भी हनुमान जी की कृपा से प्राप्त होगा। जब हम अपने बालक अथवा बालिका को हनुमान चरित्र सुनाएंगे, रामचरित्र मानस का पाठ कराएंगे, और जब रामचरित्र मानस की चौपाइयां बालक गाएंगे, प्रात काल उठ के मातु पिता गुरु ना वही माथा, जब माता पिता गुरुदेव को प्रणाम करेंगे बालक, तो आपका बालक संस्कारवान बनेगा, वही बालक बड़ा होकर के आपका नाम रोशन करेगा। ये बताना नहीं पड़ेगा कि पूरी बनाओ या अचार लाओ या भाई सब्जी ले आओ या जलगाओ ले आओ। जब खान पान की व्यवस्था कह दी जाएगी तो वो पूरी थाली की व्यवस्था करेगा, भोजन भी बनाएगा, पूरी भी बनाएगा, सब्जी भी बनाएगा, मिर्चा भी देगा, सलाद भी देगा, जो उसके घर पर हो। भगवान की भक्ति पा लेने के बाद जीव को पर कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो भी भगवान का भक्त भगवान के दर पर जाकर उनकी ही भक्ति को मांग लेता है, वह सब कुछ पा जाता है। लेकिन हम लोगों का क्या कहना? हाँ हम लोगों तो वो तो मांगने की आदत भी पड़ी, तो वो भी वस्तुएं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं जो साधक पदार्थ मांगकर परमात्मा से समय नष्ट करता है, वह इस संसार में तो सुख पा नहीं पाता और कभी भी उसे जो है आत्म शांति प्राप्त नहीं होती। तो किसी ने पूछा कि भगवान से मांगना क्या चाहिए, तो भगवान ने बड़ा प्यारा जवाब दिया
भैया आपको जो उचित लगे सो मांगो, लेकिन तब तक एक महात्मा बोल पड़े, भगवान से पदार्थ को नहीं मांगना चाहिए, परमात्मा से तो परमात्मा को ही मांग लेना चाहिए। भगवान के द्वारा जाकर दबा कर नहीं चले आना चाहिए, अपितु साधक वो है जो भगवान से भगवान को मांग ले। और जो क्यों देखो दुनिया किसने बनाई, बोलो बोलो, हमें तुम्हें किसने बनाया, मकान भवन गाड़ी बंगला किसने बनवाया, सब कुछ जो भगवान ने बनाया। और हम एटीएम को भी मूर्ख समझते हैं, ढाई रुपए का दूध चढ़ाएंगे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हे शंकर जी बिटिया को ब्याह हो जाए, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, गाड़ी मिल जाए, मकान मिल जाए। बताओ ढाई रुपए का तुमने पानी मिला करके दूध चढ़ाया और 1.5 करोड़ की लिस्ट पकड़ा दी, 1.5 करोड़ की लिस्ट पकड़ा दी। अपन कहते हैं भगवान कृपा नहीं करते, कितनी विचित्र बात है, भगवान कृपा करने ही बैठे हैं, उनका नाम ही है दयालु, वो तो जो उनकी शरण में आता है वो उसको अपने गले से लगा लेते हैं। बोलो सीता, एक बात है हमारे प्रिय जनों, प्रिय साधकों, हम लोग हैं जीवात्मा, कौन है हम लोग, जीवात्मा, और हनुमान जी कौन है, महात्मा। हम लोग हैं जीवात्मा, हनुमान जी है महात्मा, और राम जी है परमात्मा। अच्छा हनुमान जी महात्मा कैसे हुए, हनुमान चालीसा पढ़ो तो वर्णन आया है, साधु संत के तुम रखवारी असुरी निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी संतों के रक्षक हैं, राक्षसों के भक्षक हैं, तो हम लोग हैं जीवात्मा, हनुमान जी है महात्मा, राम जी है परमात्मा। अब राम जी कैसे मिलेंगे, इस जीवात्मा को हनुमान जी जैसे महात्मा के चरण पकड़ लेना चाहिए, और जो जीवात्मा हनुमान जी जैसे महात्मा के चरण पकड़ लेता है उसे फिर भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान चलकर उसके द्वार पर आ जाते हैं। सुग्रीव जी महाराज, सुग्रीव जी तो पर्वत से भी नीचे नहीं उतरे, राम जी नीचे खड़े हुए ऊपर बैठा। और हम लोग भी ऐसे ही है, हम लोग भी अहंकार मन में ऊपर पर्वत पर बैठे हुए हैं, अहम के पर्वत के ऊपर बैठे हुए हैं, भगवान कई बार हमारे बगल से गुजर जाते हैं, हम लोग अहम छोड़कर नीचे नहीं आ पाते, मिलन नहीं हो पाता। लेकिन जो हनुमान जी को अपना बना लेता है उसे राम जी के पास नहीं जाना पड़ता, राम जी उड़ा करके ले आकर के परमात्मा को तुम्हारे पार कर ले। इसलिए कटनी के प्रिय जनों, हम आपको प्रवचन सुनाने नहीं आए, हम तो आए थे आ जाओ गुरु जी जरूरत है, तो हम आए हनुमान जी का नाम लेकर, हम सिर्फ आपको ये बताने आए हैं कि आप अगर सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो गए तो आपको फिर कुछ पाने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ हनुमान जी से ही पा जाओगे। हनुमान चालीसा में आया, और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। और देवता ध्यान भी नहीं रखते, लेकिन हनुमान जी महाराज सब सुख प्रदान कर देते, सब सुख लाए। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।